किथे चढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुश शांति आज के व्लॉग में। तो भाई फिलहाल होगी मॉर्निंग, तो चलते चलते जल्दी से गेस्ट आ गए, तो हमने फ़ौरन जाना है और गेस्ट के लिए थोड़ा सा सामान लाना है और साथ में मेन जो हमारा टारगेट है वो है अपनी मुर्गियों का दाना। तो गेस्ट का तो बहाना हमें है बेसिकली बाहर जाना, तो चले चलते हैं लेके आते हैं और ला के इनको डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। बटेरा तो इधर खड़े, इसको आगे कौन कर गया, इसको पीछे करते हैं। पहुँच गए हम दुकान पर और नुमान यहाँ पर मौजूद नहीं है और हमें लेना है दाना। इमरान भाई खुद जो है वो बैठे नहीं यहाँ पे, और अगर इमरान भाई होते तो हमें इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। वो आ गया, किधर गया हुआ था? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? मुर्गी दाना कर दे और साथ में ऑस्ट्रेलियन का दाना कर दे। कौन कौन सा ये है? ये फीड नहीं डालनी, फीड के बगैर वाला। हाँ ये कर दे, पाँच पाँच कर दे, स्पीड मार। अब इसके बाद क्या लेनी है? हमने लेनी है बोतल, और बोतल ले के हम लोग दस्ती चलेंगे, पहले दाना लेते हैं। तो जी दाना हो गया हमारा, इस दाने को भी उठाते हैं और उठा के इसी दाने के साथ लटकाते हैं। और नुमान को हमने भेज दिया काम, कहाँ भेज दिया? मैं क्यों नहीं गया, मेरे पास आ गया था अमानुल्लाह और मैं इससे कह रहा था बातें जाते, तो नुमान गई पे लेने बोतल जैसे ही आता है, तो इंशाल्लाह हम लोग भी यहाँ से फिर रफू चक्कर। और एक चीज़ यहाँ पर मैंशन करता चलूँ, आप में से काफ़ी भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारा जो चैनल है एस जे बजीज फार्म उसको सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को मज़ेदार बर्ड्स की वीडियोस देखने के लिए मिल सके। और बहुत जल्द हम एक न्यू सेटअप तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसका जॉब भी आपको करवाएंगे। जानी वो बर्ड्स लगाए हुए हैं इस टाइम? कौन कौन सा? रिंग नेक का सेटअप पूरा लगा हुआ है। लें जी, पुरानी वीडियोज़ देखी हैं तो आप तो आपको पता होगा इसका रिंग नेक का सेटअप है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वो भी विजिट करने वाले हैं। कहाँ पर? ओनली ऑल एस जे बजीज। नहीं निश्ता, और की शान है खोखे, क्योंकि इनमें ही है लाहौर की जान, क्योंकि जो चीज़ आपको बेकरी से नहीं मिलती वो आपको मिल जाती है खोखे से। तो भाई सांपर में डालते हैं, क्यों फिर लभी है कि नहीं? नुमान को नहीं मिली, हमें मिल गई। दाना भी आ गया, बोतल भी आ गई, अब हम चलते हैं अपनी मुर्गियों के पास। सबसे पहले डालते हैं मुर्गियों को दाना, दाना डाल के जो है हम लोग फिर खोलो, हम लोग जाएंगे। चाबियाँ मेरी ऊपर है इसलिए मुझे नीचे से इधर से जाना पड़ रहा है। इसको करते हैं लॉक, बड़ा ज़ोर का पाँव पर लगा यार। चल चले कि भाई ऊपर का दाना है, ऊपर चलते। मैंने यहाँ रख दिया और इनको पता लग गया, आके इनको दाना डालेंगे। देखें आ रही है ना, पहले चलते हैं ऊपर, ऊपर अपने कबूतरों को दाना डाल लेते हैं। पूरा शेड खाली पड़ा भाई, कोई भी चीज़ नहीं है इधर, सिर्फ कबाड़ के। ये आ गए शेरे, आ जाओ भाई, चलो आ जाओ आ जाओ, सबर सबर, खा रहे खा रहे। चलो जी आ जाओ, चलो खाओ। लो जी ये हो गया इनका दाना, और अब क्या करना है, जैसे आपको बताया कि ऊपर बड़ ये काम है इसलिए इनको डाल के नीचे जाते हैं। अब हमने सबसे पहले आगे इनको डालना पानी और फिर नीचे चलेंगे अपने बर्ड शेड में। गर्मी है बड़ी हैवी भाई, और आपका भाई इस टाइम कर रहा है नीचे, रेस्ट क्यों कर रहे हैं नीचे? भाई आपको बताता चलूँ कि ऊपर से आया था नीचे क्या लेने, क्या लेके आया था वो आपको पता है। दाना तो दाना किनको डाला है? बर्ड्स की तरफ मूव होने में कैमरे को लग गया थोड़ा टाइम, तो ये चेक करो भाई, इनको हमने दिया दाना और ये अब खा रहे हैं। ये वो जो कबूतर मैंने जिनका बताया था कि उसको दो जगह दाना कर दो, ऊपर वालों को भी डाले और अब ये नीचे वालों को भी डाल रहे हैं। ये अब दस्ती दस्ती खा रहे हैं, खा के जल्दी से अपने ये बच्चे को देंगे चोगा। बच्चा है बहुत छोटा सा, अभी क्यूट सा इनका बेबी है, और ये जल्दी से बड़ा हो जाए ना फिर मज़ा आएगा। तो एक दिल कहता है इनको ऊपर छोड़ दूँ, फिर किसी ने कहा था कि इनको ऊपर मत छोड़ना क्योंकि ये बच्चे को चोगा नहीं देंगे बड़े केज में जाके, तो इसलिए हमने इनको छोटे केज में रखा हुआ है। तो अभी ये रेस्ट कर। और इसी चीज़ के साथ साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और मेंशन करता चलूँ कि भाई हमने एक दो चीज़ें तैयार की हैं, क्या तैयार की हैं आपको दिखाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कारागरी देख के मज़ा आएगा, और बड़ी एंटीक चीज़ तैयार की है। ये देखें जी, ये तैयार की है जी हमने एक टेबल, सॉलिड टेबल है, टाली का पूरा सेट है ये, इसके साथ देख सकते बेड है ये सारा कुछ। और ये मैं नहीं कर रहा, और आता ज़रूर है मुझे मगर मैं काम नहीं करता। कौन काम करता है? आप में से काफ़ी भाई जो कि हमारे एस जे पेट्स लवर के सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे किन को आए हैं आपको मिला। अस्सलाम वालेकुम खलीफा जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं?
ले जी, ये शाही साहब का कमाल है और हमारा इसमें कुछ भी नहीं है भाई लोग, क्योंकि हमसे बेहतर जो है यही करते हैं उस्ताद मोहतरम जो है, ये खुद ही काम वगैरह करते हैं। अब एक बड़ी वीआईपी चीज़ तैयार हो रही है। क्या तैयार हो रही है? अगर आप लोगों ने मेरा एक व्लॉग पहले वाला देखा, उसमें मैंने एक चेयर के बारे में जिक्र किया था, तो ये वो चेयर है, इसको ये तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पे देख लें पुटीने, शाही साहब कोई पुराना फर्नीचर हो ये जिस तरह अभी ये तैयार किया है, ये तो एक मतलब इससे भी गया गुजरा हो, उसको उसको भी खैर बात है कि बस उसको भी कहना है, नहीं, जो ठीक हो सकता है उसको ठीक कर लेते, जो ठीक हो सकता है उसको ठीक कर लेते हैं, और जो नहीं होता उसको जवाब दे देते हैं। लो जी भाई, अगर आप लोग पॉलिश का ये काम करते हैं, अगर कोई करवाना चाहे तो वो भी हो जाता है, और नया फर्नीचर भी तैयार करवाना चाहे पॉलिश में तो वो भी हो जाता है। बाकी अभी फिल वक्त तो ज़्यादातर आपको पता ही है, मेन जो है कबूतरों के ही उस्ताद है और खलीफा है। ये काम वैसे किसी दौर में हमारी एक वर्कशॉप थी, तो वो वर्कशॉप होगी क्लोज, तो उसके बाद हमने ये काम पे थोड़ा सा फोकस कर दिया कम, मगर अब कुछ साल पहले गवल चाचू जो हैं इसको थोड़ा सा रनिंग करने लगे हैं दोबारा, तो ये भी साथ हम कह रहे हैं, साथ हम बर्ड्स का भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे चाचू एक और चीज़ बताइएगा कि आने वाले टाइम में क्या हमारे जो एस जे पेट्स लवर का चैनल है उस पर हैवी किस्म के फैंसी कबूतर, उड़ने वाले कबूतर, सारे कबूतरों का शो करवाओगे? इंशाल्लाह, तो वेट करेंगे उस टाइम का और इंशाल्लाह फिर ज़रूर शो करेंगे। लो जी भाई, इसके साथ ही हम लोग चलते हैं ऊपर और चल के अपना करते हैं वन दाना, और देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं क्या नहीं। फिलहाल तो काफ़ी टाइम हो गया और आज हमने अपनी दुकान भी नहीं खोली, सारा दिन हम लोग अपनी दुकान में भी टाइम नहीं दे पाए क्योंकि आज हम बड़े मसरूफ़ हैं। तो ये वैसे ही बंद पड़ी हुई है, इसको भी ओपन वगैरह करते हैं, इसको भी बंद चलाते हैं मगर इतना नहीं, बट जब हमारे पास टाइम हो। फिलहाल हमारे पास टाइम तो है मगर इतना ज़्यादा नहीं है, तो चलो चलते हैं ऊपर और चल के अपने बकरों को करते हैं दाना पानी, फिर देंगे मुर्गियों को दाना। शर्मो, तुम्हारी उम्र है अभी, अंडे में से तुम लोग निकले नहीं और लड़ने की तुम्हें पहले पड़, चल खोते हैं, तेनों मनवा ही देना मैं। लो जी, कर लो बात इन लोगों की, क्या इनको अभी अंडे से निकले कुछ दिन हुए नहीं। अंडे से मुराद ये है कि भाई अभी इनके पास इतनी उम्र नहीं, इतना उम्र का तकाजा नहीं जिस हिसाब की टकरे ठोक रहे हैं एक दूसरे को, और इस सीज़न लगता है कि भाई मुझे भी आप लोगों वाली मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और मुझे भी लग रहा है क्यों नहीं कहीं ना कहीं मेरे साथ भी मिसहैप होने वाला है, और मुझे इस मरतबा नचाएंगे तिंगड़ी का नाच, तो उससे पहले हम इनका इलाज कुछ ना कुछ लाजमी करेंगे। फिल वक्त तो इनको दोनों टकरे मारे थे, सोटियां में मारी हैं, सोटी चुकी उन्होंने यहीं भजिया जैसे उसको लगा कि मुझे पड़ गई है। तो इनका अभी दाना है इस तरफ, कहाँ पे है ना, तो ये दाना भाई फूल रहा है अभी अच्छी तरह, पहले फूल जाए तो इंशाल्लाह फिर इन पांचों को डालेंगे। इन पांचों को किन को डालना है भाई आपको? एक दो ये और तीन वो बकरे, पाँच काली बड़ी बरानी दुम्बा और राजा, ये अंदर आ जाएंगे और ये पांच जो हैं उधर चले जाएंगे, और ये पांच उधर जाके मस्ती से अपना दाना खाएंगे। तो फिल वक्त वहाँ पे इनको तूड़ी चोकर छिलका डाला हुआ है, बाकी वहाँ पे वो खा रहे हैं, वो जितना खा लेते हैं खाने के बाद फिर इसको उसमें मिक्स कर दूँगा और फिर इनको छोड़ दूँगा। तो दुआ करें कि जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, अल्लाह ना करे ना करे ना करे कि मुझे उस मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाई मेरे लिए बड़ा हो जाना मुश्किल, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इनको हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मेरे जानवर होते हैं ज़्यादा और समटाइम रहते हैं खुले, तो भाई अगर तो धाड़ 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 हुई तो फिर तो समझो रोला ही पै जमीन में। बट मुझे उम्मीद है कि उससे पहले इंशाल्लाह ताला ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे, ना बने तो फिर भाई बिगड़े तिगड़ों का लाज डंडा पिए, वो तो हमारे पास है ही है, तो इंशाल्लाह उससे इनको समेटेंगे। उनकी बात तो मुर्गियों को भी दाना शाना डालना, अभी इनको नहीं डाला, अभी बकरे बकरे खा लें, क्योंकि बकरे जो नीचे गिराते हैं ये फ़ौरन भाग के उठा लेती हैं, खुरलियों में अभी नहीं जाती। और आज ये फर्स्ट टाइम है कि सुबह से दूसरी मुर्गी जो है वो खुरली में आई हुई है, और मैं चाहता हूँ कि ये गंदी आदत इन्हें ना ही पड़े और ना ही इनको डालने की ज़रूरत है, तो ऐसे ही काम चलता रहे। तो फिर वक्त भाई दाना जब मिक्स करूँगा तब अब आपको दिखाऊँगा, पहले बनाना था, आज सारे देख रहे हैं गंदे हुए हुए हैं, तो बार बार कैमरा मैं नहीं निकाल पाऊँगा, मगर ये कि जब इनको डालूँगा और इनको छोड़ूंगा तब इंशाल्लाह आपको एक मतलब ज़रूर दिखाऊंगा। वैसे आप लोग कमेंट करोगे कि भाई डाला गया डाला गया डाला गया, तो चलो आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें। देखो भाई ये लो भाई, ये सारा दाना है, ठीक है, अब आप ही बताओ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं हैं। तो ये आप पे छोड़ते हैं, अब आप लोग बताइएगा इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। और ये देखें, इसको पता लग गया ना खाना ही, अले एडा तू ड्राकल। ये देखें, ये हल्का से इधर डालने की देर है, ये चेक करें गोली की तरह सारे इकट्ठे हो जाए, उधरों खाओ, बाकियों को भी पता नहीं चला, जैसे जैसे पता चलता जाएगा। वो चिट्टे और ब्राउन की रंगीले की लड़ाई, रंगीला टूट चिट्टा इज़ वेरी कॉम्बिनेशन फाइटिंग, बट चिट्टा आ गया ठोकन ली, रंगीला टॉप आया इस तरफ। भाई आज लगता है कि हम ना WWE प्लाई सेंटर में आते हैं,
ये सारे जो है ना ठोकी जा रहे हैं एक दूसरे को, आज पहले इन दोनों ने टकरे मारी हैं, फिर इन दोनों ने मारी, झलकियाँ इनकी मिलती जा रही है, डर ही लग रहा है कि अल्लाह खैर ही करे, क्यों हो गया, इनको इस तरह करना नहीं चाहिए, मगर आज ये क्यों इस तरह कर रहे हैं आई डोंट नो। वेट करते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं। चले अब इनको एडजस्ट कर लेते हैं, सेटिंग कर लें, फिर इन सबको खोलेंगे बार बार। चलो नहीं कुकड़ियों, चलो चलो चलो, तुहानू पता लग गया है ब्राउनी के काम, चेक करो, चलो चप्पल, चलो अंदर चलो, चलो 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 चल, चलो अंदर तुम लोग, ओ चल बिल्ले, हूँ नहीं तुहानू राह नजर आना है, अगे तुसी टिकट नहीं दे सी राजा जी, चलो राजू का बेटा राजा, हमें तंग कर रहा था, चलो ठीक ओके करो। लो भाई लोग, हाथ होने वाले हैं बड़े ही बुरे, ये देख लो हाथों का हाल, अब आपको नहीं दिखा पाऊंगा, उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ठोको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करूंगा कि भाई डबल व्लॉगिंग आए, सुबह को व्लॉग और शाम को इनका जो मंडी का व्लॉग है वो आए, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही करूँगा।